back before to proceed further and before to start our lecture. I would like to appreciate your participations. सब लोगों की तरफ से बहुत अच्छे questions भी raise हुए and specially जो feedback आया रिगार्डिंग आर फर्स्ट लेक्चर. ये जी मैं सिर्फ ब्रशअप कर दूँ कि प्रीवियसली हम लोगों ने ये फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने इफ़ आई गो टू द लास्ट स्लाइड्स. अच्छा, ये सब स्लाइड्स और ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर दी थी. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चैप्टर वन पार्ट ए एंड पार्ट बी के नाम से ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे. देन वी वर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स. Then we talk about network and internet and the computer softwares. Network के हवाले से कुछ terminologies हैं, कुछ actual working है about our infrastructures, that how our computers and the networks and the internets and all the things so-called servers, ये किस तरह आपस में coordinate कर रहे होते हैं, उसके हवाले से हमारी already videos भी upload हो चुकी है with the title of chapter 1 discussion के नाम से. देन इस चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किए, यूजर्स डिस्कस किए, हाउ टाइप ऑफ यूजर्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ यूजर वी हैव फॉर द यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स. देन हम लोगों ने एप्लीकेशन यूज की कि सोसाइटी में कंप्यूटर किस किस एप्लीकेशन में यूज हो रहा है. सो नाउ हियर टुडे वी आर फॉर टू डिस्कस चैप्टर 2. ये हमारी बुक का चैप्टर 2 हम डिस्कस करने आज. इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये था जस्ट टू शेयर विद यू कि हमारे पास चैप्टर 2 के अंदर क्या कुछ है. लेट मी जूम, सही है या नहीं? नहीं है सही. हम इसको जूम बैक करते हैं. यस, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर 2 कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन. हमारे चैप्टर का टाइटल है एंड अगेन एज यूजुअल वी हैव टू डिस्कस आवर एजेंडा और वी हैव टू डिस्कस आवर ऑब्जेक्टिव्स. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट. We'll talk about the internet, briefly describe the various broadband internet connections. Broadband क्या होता है, internet connections क्या होते हैं, purpose of IP address and its relationship and domain name क्या होता है, feature of the browsers discuss करेंगे, web addresses को discuss करेंगे, describe the way and the compose effective search text किस तरीके से. For example, Google के अंदर अगर हम लोगों ने exact कोई चीज़ search करनी है तो किस तरह find out किया जा सकता है उनको. Then एक्सप्लेन द बेनिफिट द रिस्क यूज ऑफ ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क्स को यूज करने के एडवांटेजेस या रिस्क कौन कौन से हैं, वेबसाइट की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो एंड वर्चुअल रियलिटी ये चीज़ें क्या होती हैं, ईमेल लिस्ट क्या होती है और मैसेजिंग, चैट रूम, ऑनलाइन डिस्कशन, VOP, VoIP इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये चीज़ क्या होती है, आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ नेटिकेट्स. हमने एडिकेट्स तो सुने थे तो नेटिकेट्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंटरनेट. जैसे कि चैप्टर 1 में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया और इस इंटरनेट को फर्दर एलेबोरेट करने के लिए हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था चैप्टर 1 डिस्कशंस. वहाँ से भी आप इसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं. बट अगेन एज वी ऑलरेडी नो, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द मिलियन ऑफ द बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड इंडिविजुअल्स. इंटरनेट एक कलेक्शन ऑफ इंटरनेट, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है जो कि डिफरेंट बिजनेसेस को, गवर्नमेंट सेक्टर्स को, एजुकेशनल सेक्टर्स को, इंडिविजुअल्स को और डिफरेंट कंपनीज को आपस में कनेक्ट करता है जी. फाइन, सो इंटरनेट के हम एवोल्यूशन देख रहे हैं किस तरह इंटरनेट आया. तो इंटरनेट एक्चुअली 1969 में इसका जो सबसे पहला एक नेटवर्क जो बनाया गया था उसका नाम था ARPANET. और एक्चुअली उस ARPANET को उनको नहीं पता था, ये ARPANET इसका इनिशियली नाम था ARPANET. ARPANET उनको इनिशियली नहीं पता था कि ये ARPANET आगे फ्यूचर में जाके क्या इंटरनेट बन जाएगा. ये ARPANET बनाने का मकसद सिर्फ 2 गोल्स थे. वो गोल ये थे कि कुछ साइंटिस्ट जो थे वो किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे. हर साइंटिस्ट अपनी अपनी डोमेन में एक्सपर्ट था एंड दे वर वर्किंग ऑन देयर ओन डोमेन्स. सो इन्होंने क्या किया, इनको एक ऐसा नेटवर्क चाहिए था अलाउ साइंटिस्ट एट द डिफरेंट फिजिकल लोकेशन टू शेयर द इन्फॉर्मेशन एंड वर्क टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई रिसर्च स्टडी कर रहा हूँ और उसके अंदर मेरे पास 100 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ऑल दो दे विल बी एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड्स, तो उनके पास अपने अपने रिजल्ट्स आ रहे होंगे और वो डिफरेंट लोकेशंस पे थे. हम लोग ये चाह रहे थे कि उन लोकेशंस को ये टीम ये चाह रही थी कि उस लोकेशन पे मौजूद जितने साइंटिस्ट हैं वो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएं कि वो एक अपना जो भी रिसर्च वर्क है वो सेंट्रलाइज प्लेस के ऊपर पेस्ट करते जाएं, प्लेस करते जाएं, पुट करते जाएं और फिर वो सेंट्रलाइज जगह के ऊपर जब तमाम डाटा और उनकी रिसर्च आती जाएगी तो हम उनसे अपने रिजल्ट जो है वो वहाँ से निकाल सकते हैं. फंक्शन इवन इफ पार्ट ऑफ द नेटवर्क वेयर द डिसेबल
और द डिस्ट्रॉयर द डिजास्टर। वो कह रहा था एक तो तमाम साइंटिस्ट आपस में एक जगह पे बैठ के कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके सेंट्रलाइज प्लेस के ऊपर, बिकॉज सबके अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, तो सबके अलग अलग कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना तो शायद मुश्किल होगा। एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर से उनसे उनको जोड़ा जाए और तमाम कंप्यूटर्स का आपस में भी एक ताल्लुक बनाया जाए। इस वजह से हम लोगों ने एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम हम लोगों ने रखा था आर्पानेट। अच्छा मुझे एक चीज़ थोड़ी सी सॉरी कर लेने दें। हम कहते हैं यस पिंक। हम लोगों ने इस एक तो इसका ये पर्पज सॉरी एक तो इसका पर्पज था ये, और दूसरा हम लोगों ने कहा जी फंक्शन। अबे तो क्यों नहीं कर रहा। फाइन। सेकंड फंक्शन हमारा ये था कि अगर कोई एक नोड, मतलब नोड हम कहते हैं कंप्यूटर को, इन तमाम लोगों के दरमियान कोई एक दो कंप्यूटर्स खराब हो जाएं, डिसेबल हो जाएं, या कोई नेटवर्क थोड़ा सा डिसेबल या डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यू टू सम डिजास्टर, तो फिर भी ये नेटवर्क चलता रहे। उस नेटवर्क का हम लोगों ने नाम क्या रखा था जी, आर्पानेट उसका नाम रखा था हम लोगों ने। ठीक है 1969 में। खैर 1969 में जब उन्होंने ये देखा आर्पानेट तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लोगों को कंप्यूटर्स को हमारे साइंटिस्ट को हमारे ग्रुप को इन्फॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प हो रही है, तो उन्होंने इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाया और 1984 में इस आर्पानेट को उन्होंने बढ़ा दिया फॉर द 1000 इंडिविजुअल मेंबर्स। फाइन 1000 इंडिविजुअल मेंबर्स के तौर पे ये चला गया और 1000 लोगों को इन्होंने आपस में कनेक्ट कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर क्या हुआ, टुडे द मिलियंस होस्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट। होस्ट क्या होता है इसके बारे में भी मैं बल्कि अपने पास एक टर्म नोट कर लेता हूँ। अगेन हम लोग एक रखेंगे सॉरी मुझे एक मैसेज आ गया था, आई वॉज रीडिंग द टेक्स्ट। एनीवे मैं लेट मी नोट डाउन दिस टर्मिनोलॉजी बिकॉज मुझे फिर आपको इसके ऊपर एक चैप्टर टू डिस्कशन के नाम की वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसके ऊपर हम लोगों ने करना है इसका आंसर करना है। इसमें एक टर्म आ गई होस्ट। फाइन तो मैं आपको बताऊंगा कि होस्ट क्या होता है। तो एक्चुअली इन सिंपल वर्ड्स होस्ट का मतलब होता है आपका मेरा एक्स वाई जी लोगों के जो कंप्यूटर हैं जो हम इंटरनेट के साथ जब कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही मेरा सिस्टम किसी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा तो वो उसको फॉरन क्या नाम उसको मिल जाता है कि वो एक होस्ट है। फाइन अच्छा तो वो वही बता रहा है 1969 से कार्पोनेट होने वाला नेटवर्क आज मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स या मिलियंस ऑफ पीपल्स को आपस में जोड़े हुए जी। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट विद वायर्ड कनेक्शंस अ कंप्यूटर और अ डिवाइस फिजिकली अटैच वाया अ केबल और अ राइट और वायर टू अ कम्युनिकेट द डिवाइस। हम इंटरनेट से जरी सी बात हमें आइडिया है, हम वायर के थ्रू या विदाउट वायर हम अपनी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर्स विदाउट कम्युनिकेशन डिवाइस कैन यूज वायरलेस मॉडम और अदर कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इनेबल्स अ वायरलेस कनेक्टिविटी। वो कहते हैं कंप्यूटर विदाउट अ कनेक्शन डिवाइस यू। अच्छा ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हम लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस कर रहे थे। एनीवे लेट मी ऐड दिस टर्मिनोलॉजी एज वेल। ये हम लोगों ने मैंने अपने पास नोट कर ली कि मॉडम क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मॉडम एक्चुअली एक हार्डवेयर है जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट की पॉसिबिलिटी को जनरेट करता है, इंटरनेट कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है या आपके कंप्यूटर को कैपेबल बनाता है कि वो इंटरनेट को यूज़ कर सके। तो ये मॉडम, अब आप कहेंगे सर हम तो अपने लैपटॉप में मॉडम नहीं लगवाते, वो तो ऑलरेडी डायरेक्ट कनेक्ट होता है। हुआ ये था कि ऐसे कंप्यूटर्स ऐसी चीज़ें जो वायरलेस हैं या इवन विद वायर भी हैं, तो डेस्कटॉप जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें हमारे पास इंटरनेट का बाई डिफॉल्ट बिल्ट इन जो सॉरी आई एम फीलिंग ड्रॉजीनेस एनीवे। जो हमारे पास पहले कंप्यूटर्स आए थे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, उसमें बाय डिफॉल्ट ये फंक्शनैलिटी नहीं थी इंटरनेट को चलाने के लिए। तो उसमें अगर इंटरनेट की फंक्शनैलिटी हम लोगों ने करवानी होती तो हम एक हार्डवेयर लगवाते थे दैट कॉल्ड मॉडेम। फाइन तो वो कह रहे हैं आप मॉडेम के थ्रू या डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू अपने कंप्यूटर को या किसी भी मशीन्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो कहता है अगर इन केस ये वायरलेस है तो आपने देखा होगा अब बहुत सारी डिवाइसेस यूएसबी जोंग की या पुरानी पहले यूएसबी आती थी, अब हम ऐसा नहीं करते, हम डायरेक्टली एक एक इंटरनेट डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं उसके वाईफाई के थ्रू। जोंग की डिवाइस होती है या हमारा पीटीसेल का ब्रॉडबैंड होता है, या फिर मैं पुराने डेस्कटॉप की बात करूँ तो उसमें ये फंक्शनलिटी नहीं होती थी, उनके साथ एक हार्डवेयर लगवाना पड़ता था दैट कॉल्ड मॉडेम। अभी ये आपको बाहर नजर आ रहा है, अदरवाइज ये चिप एक होती है और ये सीपीयू केस के अंदर ही इंस्टॉल्ड हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ताकि हम एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकें। और इंटरनेट क्या है अभी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये पूरा एक ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर जितने कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं इस पूरे ग्लोब के साथ कनेक्टिविटी करना दैट कॉल्ड द इंटरनेट। अच्छा नो अगर हम वायर के साथ होते हैं तो जहरी सी बात है केबल इंटरनेट सर्विस
फाइबर टू द FTP TTP, ये अब सिंपल अब याद रखने के वायर के थ्रू अगर हम लोगों ने कनेक्ट होना है तो हम केबल के थ्रू हो सकते हैं। DSL, DSL से मुराद ये है कि हमारे पास PTCL का बहुत पहले एक कनेक्शन आया था जिसको हम DSL मॉडेम भी बोलते थे। तो वो बता रहे हैं कि अगर वायर के थ्रू अपने कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर को तो केबल के थ्रू कर सकते हैं, DSL के थ्रू कर सकते हैं, या फिर FTTP फाइबर टू द प्रेमिसेस। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक होता है, एक एक फाइबर की तार होती है उसके थ्रू करते हैं। एनीवे ये तो अब आप लोग ये चीज़ें नहीं करते होंगे अभी भी। वैसे भाई दबे की जाती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वाईफाई के सिग्नल बहुत कम आ रहे हो, तो हम वायर को उठाकर अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं टू अचीव द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इंटरनेट। वायरलेस के थ्रू हम क्या करते हैं, वायरलेस वाईफाई कनेक्ट करते हैं, मोबाइल ब्रॉडबैंड होता है, फिक्स्ड वायरलेस होता है, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज होती हैं। ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि हम वायरलेस के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है, आप यू ऑलरेडी नो, हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि इज अ वायरलेस नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट। हॉटस्पॉट ये तो बड़ी कंफर्म बात है ना कि ये वायरलेस नेटवर्क होगा, और ये आपके किसी भी कंप्यूटर को या मोबाइल को अलाउ करता है आपके साथ कनेक्ट होकर इंटरनेट यूज करने में। आपने देखा होगा जिस तरह हम अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपना डाटा पैकेज ऑन किया हुआ है, मैं डाटा के थ्रू अपना इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे किसी सिबलिंग्स को पता चल गया तो मुझे कहेगा नहीं नहीं यार, मतलब यू हैव टू टर्न ऑन योर हॉटस्पॉट और मुझे उसका पासवर्ड दो। मैं उसको पासवर्ड देता हूँ, वो एक्चुअली मेरे हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करेगा, और मेरे हॉटस्पॉट के थ्रू वो एक इंटरनेट की फैसिलिटी यूज कर रहा होता है जी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मुराद ये होता है कि डियर वो लोग जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट कॉल्ड ISP और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। फॉर एग्जाम्पल जल्दी से सोचें और मुझे नाम बताएं, यू हैव 5 सेकेंड्स, बताएं बताएं माइंड में सोचें कौन कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पाकिस्तान में। यस यू आर राइट, हमारे पास वी वाई एम फीलिंग सो स्लीपी यार बाय द वे। एनीवे हमारे पास डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की अगर हम एग्जाम्पल कर दें तो यस आपने भी बिल्कुल ठीक सोचा, PTCL है जिसका ब्रॉडबैंड के नाम की एक सर्विस है, वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। फिर आपको याद है वतीन आया था, क्यूबी आया था, फिर आजकल जोंग है, उसके बाद जैज है, उसके बाद कॉमसेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उसके बाद डिफरेंट हैं बहुत सारे लोग हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बैंडविड्थ रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द डाटा दैट ट्रेवल्स ओवर द नेटवर्क। जब भी आप कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं तो वो आपको बताता है कि मैं इतनी बैंडविड्थ का आपको इंटरनेट दूंगा, उस बैंडविड्थ का मतलब ये है कि ये इसकी इतनी कैपेबिलिटी होगी, ये मतलब मेरे पास जो नेटवर्क है, जो मैंने जिस नेटवर्क की मैंने सो कॉल्ड मेंबरशिप ली हुई है, या मैं जिस नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या मैंने जो नेटवर्क अभी इस वक्त बिछाया हुआ है अंडरग्राउंड या पोल्स के थ्रू, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद भी देखा होगा आप PTCL का कनेक्शन लगवाते हैं, आप 4 MB का लगवाते हैं, 4 MB होता है, 6 MB होता है, 8 MB होता है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है फिर वो GBs में लगवाती हैं, 6 GB कनेक्शन लगवाती हैं, 10 GB लगवाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 MB का मतलब ये है कि पर सेकेंड आपका जो कंप्यूटर है वो इस इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर 4 MB तक का डाटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू हैव लाइक 100 यूजर जो कि सिमल्टेनियसली दे आर यूजिंग इंटरनेट, तो अगर उनके लिए 4 MB का कनेक्शन लेंगे तो दैट वुड काज अ प्रॉब्लम, वो उनका स्पीड बहुत स्लो कर देगा, तो उनके लिए फिर GB में हम लोग जाते हैं। तो ये बैंडविड्थ का मतलब होता है उसकी पार्स, इंटरनेट की पार्स एक्चुअली जी। सो स्टेप वन है किस तरह आप कनेक्ट करते हैं, किस तरह ये चीजें चल रही होती हैं, नोट डाउन कर लें। ये आपकी स्लाइड नंबर कौन सी है, स्लाइड नंबर 12, दिस दैट वुड बी योर पार्ट ऑफ असाइनमेंट। आपने इस पूरी पिक्चर को एलेबोरेट करना है इन योर ओन वर्ड्स, फिर उसकी अगेन उसी तरह पिक्चर लेनी है, और यू हैव टू अपलोड इन योर गूगल क्लासरूम। इन केस ये अगर असाइनमेंट जिस दिन आप लोग ये लेक्चर सुन लेंगे, इन केस अगर मुझे ये असाइनमेंट बताना याद नहीं रहती तो प्लीज मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, अदरवाइज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज ऑन CRNGR। वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि सर आपने स्लाइड नंबर 12 के बारे में जो इंस्ट्रक्शन है वो गूगल क्लासरूम, बिकॉज गूगल क्लासरूम में मैं वो एक एक नोड या एक सो कॉल्ड थ्रेड जनरेट करूंगा असाइनमेंट का, तब आप उसके अगेन सबमिट कर सकेंगे, तो प्लीज मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। अच्छा नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, IP एड्रेसेज और डोमेन नेम और DNS, इसके बारे में मैं आपको जर्नल डिस्कशन जरूर कर लूंगा अभी एज पर कोर्स परस्पेक्टिव, बट चूंकि हमने इसको सिर्फ थ्रेटिकल कोर्स लेकर नहीं चढ़ना, आई विश मेरी इस फैमिली को, मेरे स्टूडेंट्स को, दे हैव टू बी इक्विप्ड विद हाईली नॉलेज विद मॉडर्न नॉलेज एंड स्किल्स,
तो चैप्टर टू डिस्कशन के नाम की जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें हम मैं डिटेल भी बता दूंगा। एनीवे मैं आपको आईपी एड्रेस बता देता हूँ। अभी अभी स्लाइड्स को छोड़ दें, मेरी बात गौर से आप सुने। आईपी एड्रेस का मतलब ये है ये, फॉर एग्जाम्पल आप एक घर के एड्रेस पे रह रहे हैं, आपका एक यूनिक एड्रेस है, या इन अदर वर्ड्स आपका एक आईडी, यूनिक आईडी कार्ड है। मैं अभी घर से एग्जाम्पल हूँ, अगर किसी ने भी आपके घर आना है तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे अली के घर जाना है, या मुझे फॉर एग्जाम्पल ईमान के घर जाना है, या मुझे मुताल के घर जाना है। नहीं, वो कहेगा मुझे इस एड्रेस पे जाना है। फाइन, सो इन द सेम वे थोड़ा सा लॉजिकली बातें सोचें। वो जो जो सोचना ये है कि हम लोगों ने कहा कि इंटरनेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। कलेक्शन ऑफ नेटवर्क का मतलब ये है कि अगर कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है तो इसका मतलब है कंप्यूटर्स पड़े होंगे। अभी हम लोगों ने ये बात मैं डिस्कशन में आपको एलेबोरेटली समझा भी दूंगा। तो दूसरी बात यह कि फर्स्ट वाली वीडियो डिस्कशन ऑफ चैप्टर वन में भी मैं ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। सो यू हैव टू डिस्कस एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि वहाँ पे कोई ना कोई कंप्यूटर पड़ा होगा, उस कंप्यूटर में मेरी एक फाइल पड़ी है। फाइन, जिस तरह हमने वीडियो में डिस्कस किया था, गूगल का जो पूरे का पूरा डाटा है, या गूगल सॉफ्टवेयर है, या गूगल जो सर्च इंजन है एक्चुअली, या फेसबुक है, वो फेसबुक का सारा डाटा एक कंप्यूटर में पड़ा हुआ होगा। वो कंप्यूटर एक नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। जब भी मैं अपना लॉग इन पासवर्ड करता हूँ तो इसी इंटरनेट के थ्रू मेरी ये रिक्वेस्ट लैंड करती है उस कंप्यूटर पे। वहाँ पे मेरा लॉग इन पासवर्ड वेरीफाई किया जाता है और मुझे उस फोल्डर या मेरी उस स्पेसिफिक फाइल एक्सेस करने दी जाती है, जिसके अंदर मेरी पूरी फेसबुक की वॉल भी पड़ी है, पिक्चर्स भी पड़ी हैं, सो ऑन सो फोर्थ। सो आईपी एड्रेस का मतलब ये है डियर कि किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट के ऊपर उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, इसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी बाय द वे बोलते हैं। बट यू हैव टू कीप इन माइंड, या यू हैव टू रिमाइंड इट, रिमेंबर इट एज द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस किसी भी मशीन का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिससे वो मशीन इंटरनेट के ऊपर पहचान रखती है, जिससे हम उस मशीन को ढूंढ सकते हैं। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम का मतलब ये है कि अब मैं चलें आपको बताता हूँ। आपको ही कहे जी सर आप अपना घर का एड्रेस बताएं, मैं कहता हूँ जी मेरे घर का एड्रेस है बेंगलोर नंबर B2/14 ऑफिसर्स एरिया नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, मैंने आपको कह दिया। आप कहेंगे यार इस तरह तो मुझे 100 बंदों के एड्रेस याद रखने हैं यार, ये तो मुझे याद ही नहीं रहेगा। आपको 4 बंदों के मैं एड्रेस दूं तो आप या तो स्ट्रीट भूल जाएंगे या फिर उसका हाउस नंबर भूल जाएंगे। चलिए मेरा तो हाउस नंबर या मेरा घर का एड्रेस ईजी था। मैं आपको कहता हूँ किसी का एड्रेस, मैं लाहौर के आपको घर का अगर एड्रेस बताऊँ तो मैं आपको कहूँगा जी फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर 12 ब्लॉक नंबर B3 सेक्टर X फेज 4 DHA लाहौर। अब आप मैं सेम इस तरह आपको एड्रेस कहूँ कि किसी दूसरे बंदे का आपको याद रखें तो आपको याद नहीं रहेगा। डोमेन नेम का मतलब एक्चुअली ये है कि एक टेक्स्ट बेस आपका नेम है, कंप्यूटर का बेस नेम है। जिस तरह मैंने आपको कहा हर एक पर्सन का, हर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस है नेटवर्क के ऊपर, तो एक्चुअल जो कंप्यूटर का नेम है ना डियर, वो डोमेन नेम है उसका। फॉर एग्जाम्पल गूगल का जो एक नेम है ना डोमेन नेम, वो google.com है। फाइन, ये उसका डोमेन नेम है। बट जो आईपी एड्रेस होता है वो टेक्स्ट शेप में नहीं होता, वो न्यूमेरिक शेप में होता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल का जो आईपी एड्रेस है वो ये है। चलिए मैं आपको एक और चीज मजे की बताता हूँ, ये देखिएगा जरा जी। नहीं वीडियो रुक जाएगी, यस वीडियो रुक जाएगी, अदरवाइज आई वॉज विशिंग मैं आपको इंटरनेट पे लेके जाता। चलिए मैं स्लाइड्स में ये आपके साथ फिर कभी किसी वक्त शेयर कर दूंगा। यू विल बी सरप्राइज कि ये जो आई थिंक आईपी एड्रेस है ना, ये गूगल का। आप ब्राउजर में google.com पूरा लिखने के बजाय 74, मतलब ये पूरा अगर आईपी एड्रेस लिखे ना तो ये भी आपको गूगल तक ही पहुंचाएगा। मैं अब ब्रशअप करता हूँ चीज़ों को, ब्रशअप ये कर रहा हूँ कि भाई हर सिस्टम का एक डोमेन नेम होता है जो कि टेक्स्ट बेस होता है। फाइन, एक टेक्स्ट बेस्ड नाम है, जिस तरह मैंने आपको अपने घर का एड्रेस बताया इतना लंबा चौड़ा, इसी तरह हर कंप्यूटर का, हर वेबसाइट का, हर सर्वर का एक डोमेन नेम है जो कि एक लंबा चौड़ा नाम होता है। वो मुझे याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, या इन सिंपल वर्ड्स मेरे कंप्यूटर को जो एड्रेस होगा वो शायद मुझे याद रखना कंपेरेटिवली मुश्किल होगा। ठीक है, अच्छा एक होता है जी आईपी एड्रेस, एक होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता है डिजिट वाइज, ये आईपी एड्रेस है। इसमें तीन सॉरी फोर इंटरवल होते हैं, फोर इंटरवल से मुराद ये डॉट 1 2 3 4, ये इन सिंपल वर्ड थ्री इसके डॉट होते हैं, हम इसको फोर इंटरवल काउंट करते हैं ना जी। तो ये इसके एक्चुअली थ्री इंटरवल होते हैं, ये थ्री डॉट्स होते हैं और ये न्यूमेरिकल बेस होता है ये, और हर डिजिट ये जिस तरह 1 to 5 तक गया हुआ है, इस तरह हर मैक्सिमम यहाँ पे 3 डिजिट आ सकते हैं, 3 डिजिट से ज्यादा नहीं आ सकते और मिनिमम 1 डिजिट आ सकते हैं। तो ये उसका एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने इस डिबेट में नहीं जाना IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है,
किसी भी सिस्टम का एड्रेस आईपी एड्रेस होता है। अच्छा, डोमेन नेम हम क्यों यूज़ करते हैं? आपने कह दिया सर, फॉर एग्जांपल सर क्या आप अपना मुझे आईपी एड्रेस बताएं, तो मैं कहूँगा 190.168.1.1, ये मेरा आईपी एड्रेस है। आप कहेंगे नहीं यार, दैट सीम्स स्टूपिड, ये तो मुझे याद रखना भी मुश्किल है। आपको मैं कहूँ गूगल की बजाय ये याद रखें, ये वाली चीज़ आप याद नहीं रख सकते, तो कितना आसान होगा? आप कहेंगे मुझे ये याद रखना ज़्यादा आसान है, google.com, facebook.com, amazon.com, बहरिया यूनिवर्सिटी.com, air university.com, air university.edu.pk, ये मुझे आसान याद रखना आसान है। डिजिट हमें याद रखना मुश्किल होते हैं। तो कंप्यूटर के जितने एड्रेसेस होते हैं वो डिजिट में होते हैं, आईपी एड्रेसेस में होते हैं। आईपी एड्रेसेस मीन वो इस शेप में होते हैं। बट अगर मुझे किसी कंप्यूटर को विजिट करना है, किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो मुझे तो सबके इस तरह डिजिट याद रखना बहुत मुश्किल होगा। इवन 72 की जगह मैं 71 भी कर दूंगा तो वो किसी और सिस्टम पे मुझे ले जाएगा, फिर क्या करें? तो हमने कहा जी हमें टेक्स्ट बेस्ड जो नेम है ना वो याद रखना ज़्यादा आसान है। तो डोमेन नेम टेक्स्ट बेस्ड नेम होता है, आईपी एड्रेस डिजिट बेस्ड नेम होता है, और अब डीएनएस क्या करते हैं, डोमेन नेम सर्विसेज इसको बोलते हैं या डोमेन नेम सर्वर करते हैं। ये भाईजान आपके डोमेन नेम को एक्चुअली कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में। मतलब जब मैं अपने गूगल में google.com लिखता हूँ ना, तो इंटरनेट को ये नहीं पता google.com क्या क्या चीज़ है। हमारे इंटरनेट के ऊपर या हमारे ब्राउजर में एक फंक्शनैलिटी इंस्टॉल है डीएनएस, वो google.com को ट्रांसफर करती है, जज करती है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, एसोसिएटेड आईपी एड्रेस क्या है। ये देख रहे हैं, डोमेन नेम इनटू इट्स एसोसिएटेड आईपी एड्रेस। अच्छा, वो कहेगा इसका एसोसिएटेड आईपी एड्रेस है 74.125.224.72, ये उसका एड्रेस है, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे उधर ले जाएगा। तो मैं स्लाइड्स का क्रक्स बता दूं, आईपी एड्रेस मींस हर सिस्टम का एक एड्रेस है, एक्चुअल एड्रेस होता है ये, और वो डिजिट में होता है। डोमेन नेम मींस ये उसी सिस्टम का एड्रेस है बट टेक्स्ट बेस है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए आईपी एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल है, डोमेन नेम याद रखना बहुत आसान है। उसके लिए हम लोगों के पास एक डीएनएस है, डोमेन नेम सर्वर इसको बोलते हैं। ये क्या काम करता है, जब भी हम इसे टेक्स्ट बेस कोई नाम देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके एसोसिएटेड जो आईपी एड्रेस है ये मुझे ढूंढ कर वो दे देते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है ना सर, वो आपका आईपी एड्रेस क्यों ढूंढ रहे हैं, बस उसको google.com पता चल गया वहां पर चले जाए? नहीं, इंटरनेट के ऊपर google.com की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, इसको कोई नहीं पहचानता। ये इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है 74.125.224.72, ठीक है? तो ये उसका डोमेन नेम आ रहा है, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट टीएलडीज होती हैं, टीएलडी से मुराद ये जो हमारी ओरिजिनल डोमेन्स होती हैं, उनमें आपने देखा होगा डॉट कॉम, डॉट कॉम का मतलब है जो भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, उनके एंड में डॉट कॉम आता है। जितनी भी एजुकेशनल आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके एंड पे ईडीयू आता है। बहरिया डॉट कॉम कभी भी नहीं करेगी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, या एयर एयर यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट एयर डॉट कॉम नहीं करेगी, बिकॉज ये कोई कमर्शियल काम नहीं कर रही। गेटिंग पॉइंट ना, ये एजुकेशन रिलेटेड काम करे। डॉट जीओवी, गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट्स हैं मोस्टली आपने देखा होगा उनके उनमें जीओवी आता है, सिर्फ इस वजह से जितनी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं ये अपने डोमेन ये परचेज करती हैं डॉट जीओवी। MIL मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, डॉट नेट नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए होता है, ORG नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक कंपनी है जिसमें आपने उसकी डोमेन डॉट ORG परचेज कर ली, जबकि आप प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है तो आप कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको मैं लिमिटेशन बता दूँ, आपको .edu की डोमेन नहीं मिल सकती अनटिल अनलेस आप अपना कोई प्रूफ ना दें कि आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। आपको .gov की डोमेन नहीं मिल सकती पर्सनली अनटिल अनलेस गवर्नमेंट आप उसको कोई अलाउ ना करें। मिलिट्री की आपको डोमेन नहीं मिल सकती .net .org .com .us .au au स्टैंड फॉर ये अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए होती है .in इंडिया के लिए होती है .pk पाकिस्तान के लिए, ये सारी डोमेन आपको मिल सकती हैं। एनीवे ये मैं अपने कमेंट्स में भी लिख रहा हूँ, हम डिस्कशन जब करेंगे तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी और डिटेल डिस्कशन भी कर लूँगा। ये है हमारे पास जी डोमेन्स, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा डोमेन्स के बारे में कि हम डोमेन्स अलग अलग क्यों करें, जबकि इंटरनेट एक इंटरनेट के थ्रू अगर हम कनेक्टेड हैं तो तमाम वेबसाइट .com हो जाती, उसमें क्या हर्ज था। कटिंग में पढ़ना, हम इसके ऊपर इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, अगेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जल्दी जल्दी आपको बताऊँ तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डियर, हम लोगों ने कहा google.com की कोई वैल्यू नहीं है। google.com का एक्चुअली ये देखे ना, एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन है 74.125.224.72। आप ब्राउजर में google.com ना लिखें, सिर्फ यही चार डिजिट जो आपको मैंने बताया ये लिखकर आप इंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिकली google.com को ओपन कर देगा, फाइन। और ये क्या, ये कौन काम कर रहा है, डी एन एस सर्वर, डोमेन नेम
सर्विसेज सर्वर या डोमेन नेम सर्वर भी इसको कहते हैं। google.com की रिक्वेस्ट DNS पे जाती है, आप ये DNS आपको पता बताता है कि चाहिए तो गूगल है, और उसके अगेंस्ट इंटरनेट आपको गूगल ओपन करके देता है। बट वन थिंग, साइनमेंट नंबर टू, ये आपके हैं स्लाइड नंबर 15। अगेन मुझे अगर याद ना रहे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर याद करवा दीजिएगा कि सर स्लाइड नंबर 15 के अगेंस्ट एक थ्रेड जनरेट कर दें गूगल क्लासरूम में, ताकि आप लोग अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकें। सिंपल, इस पूरी स्लाइड में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या और ऐड कर सकते हैं, असाइनमेंट होगी, हैंड रिटन फॉर्मेट में होगी, एंड दैट्स ऑल। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है? द वर्ल्ड वाइड वेब WWW और द वेब कंसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट। पूरी दुनिया में जो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क हैं उनको हम, या कलेक्शन ऑफ पेजेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उनको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, एक प्रोटोकॉल का नाम है। अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पेजेस। अच्छा, मैं अपने पास वैसे लिख लेता हूँ, ये मैं लिख लेता हूँ कि आपको यस कि WWW क्या होता है। अभी यहाँ पे आपने इसको सिंपल याद रखना है, बिकॉज आपके कोर्स में इतनी डिटेल है नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब या WWW हम जो लिखते हैं, कंसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम इसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। मैं बल्कि आपको इसमें कुछ और भी चीज़ें बताऊँगा, HTTPS और HTTP मैंने नोट कर लिए, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा चैप्टर टू डिस्कशन के नाम की वीडियो। वेबसाइट क्या कहता है? वेबसाइट कहता है रिलेटेड वेब पेजेस को एक जगह पे बना देना, दैट कॉल्ड वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, एयर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है या बहरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसके अंदर आपको सर्विस शूज नजर नहीं आएंगे, फाइन। सो एक कॉन्सेप्ट, एक इदारे के रिलेटेड तमाम तर पेजेस एक वेबसाइट पे मौजूद है। ठीक है, वो कौन सी वेबसाइट है? वो behriya.edu.pk है या air.edu.pk है। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट डिलीवर्स द रिक्वेस्ट विद इट टू योर कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, आपकी वेबसाइट को किसी सर्वर पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैं जनाब अभी इसमें टाइम नहीं है, मैं ये नोट कर लिया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मैं क्रक्स बता देता हूँ आपको, मजीद वीडियो टू चैप्टर टू डिस्कशन के अंदर हम इंशाल्लाह डिटेल गपशप लगाएंगे। वेब सर्वर, ये प्लीज़ काइंडली बी अटेंटिवली ये सुन लीजिएगा, बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम इसको एंड करने लगे। वेब सर्वर एक्चुअली होता है क्या? फॉर एग्जाम्पल डियर, मैंने अपनी इदारे के हवाले से, एक डिपार्टमेंट के हवाले से मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसमें 100 पेजेस मैंने बनाए फॉर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अगर वो पेजेस मुझे कहीं पे, मैं कहता हूँ वो पेजेस हर टाइम एक्सेस हों किसी को, तो वो एक्सेस होने के लिए कंपल्सरी है कि वो किसी कंप्यूटर पे पड़े हों, और वो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो, फाइन, किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो, और वो 24 घंटे 7 डेज अ वीक एंड 24 आवर्स अ डे वो कंप्यूटर ऑन रहे। बिकॉज कोई बंदा भी मेरे किसी वक्त भी सिस्टम पे रिक्वेस्ट कर सकता है ना, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम करते क्या है, फिर हम सर्वर परचेज कर लेते हैं, फाइन। सर्वर क्या होते हैं? सर्वर, अभी हम लोगों ने वीडियो वन में भी डिस्कस किया था, सर्वर एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे 7 डेज अ वीक 24 आवर्स अ डे ये ऑन रहता है, फाइन। और ये ऑन रहता है और इसके ऊपर आपका डाटा अपलोड किया हो गया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके रिलेटेड, आपकी कंपनी के रिलेटेड, आपकी वेबसाइट के रिलेटेड जब रिक्वेस्ट की जाती है, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को ऑन बिहाफ ऑफ योर सेल्फ रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा जी मुझे बहरिया यूनिवर्सिटी का एडमिशन वाला पेज दिखा दो, तो वो रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जा रही होगी, वो मेरे सर्वर्स के अगेंस्ट, उसके पास 1000 पेजेस पड़े हुए हैं, लेकिन वो मुझे एडमिशन वाला पेज वहां से निकाल के मुझे डिस्प्ले कर देगा, फाइन। दैट कॉल्ड द वेब सर्वर। और वेब 2.0 रेफर टू द वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स अ मीन फॉर यूजर टू शेयर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अलाउ यूजर टू मॉडिफाई द वेबसाइट कॉन्टेंट एंड प्रोवाइड द एप्लीकेशन थ्रू अ ब्राउजर। वेब 2.0 का मतलब ये है कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने में अलाउ करे, और आपको इवन वेबसाइट के कंटेंट चेंज करने में भी अलाउ करे। तो आप तो कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, हम तो किसी की भी वेबसाइट सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा है बिल्कुल। आपको याद है विकीपीडिया? विकीपीडिया के ऊपर आप मैंने फॉर एग्जांपल बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में एक आर्टिकल लिखा कि बहरिया यूनिवर्सिटी ये है, कल को कोई और आता है वो कहता है हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन यार बहरिया यूनिवर्सिटी में इनका बहुत अच्छा जिम भी है, या फॉर एग्जांपल इनका बहुत अच्छा स्विमिंग क्लब भी है। तो विकीपीडिया आपको अलाउ करते हैं ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट में मॉडिफिकेशन करने में, मतलब एडिशन करने में, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, एडिशन कर सकते हैं। सो आज हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में डिस्कशन की, वेबसाइट वेब सर्वर्स के बारे में डिस्कशन की, और ये चीज़ें हम लोगों ने चेक कर ली। तो इंशाल्लाह लेट्स सी
विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, और इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन और क्यूरीज यू कैन ड्रॉप मी इन एन ईमेल, यू कैन ड्रॉप मी इन अ टेक्स्ट, एंड दैट्स ऑल. थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक.